तो हेलो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखकर आप समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया आपको, फ्री में अनलिमिटेड यूसी की ट्रिक बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल कंफर्म ट्रिक है आपको। इसमें आपको अपने 75 रुपये तो खर्च करने पड़ेगी। जैसे कि मैं अपने 75 वाला एक पैक परचेज कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरे गूगल पे बैलेंस 75 रुपये पड़े हैं। आपको गूगल पे बैलेंस ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे काम नहीं करेगी। जैसे मैं यहाँ पे बाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा जो परचेज है वो पेमेंट सक्सेसफुल परचेज हो गई है। देख सकते हैं आप लोग, आप तो अनलिमिटेड यूसी की बात कर रहे थे। अब हमारी जो स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपको अपना गूगल ऑन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है पहले google.com रिफंड। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको नीचे देखना। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिफंड एंड रिटर्न, आपको उसके ऊपर टैप करना है। फिर आपको फर्स्ट वाला जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको रिक्वेस्ट है रिफंड का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको एडिट कर देना है। करने के बाद आपको यस कर देना है। यस करते हुए आपको एक मैसेज आएगा, हमने यहाँ पर 75 वाला पैक परचेस किया था, उसके ऊपर टैप करेंगे। जैसे हम उसके ऊपर टैप करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा परचेज बाई एक्सीडेंट, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यस, आपको उसके ऊपर करते हुए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आई एम डन विद रिफंड रिक्वेस्ट, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको एक ऑप्शन दिखा गया डिटेल का, आपको उसमें लिखना है गिव मी माई रिफंड और आपको शेयर कर देना है। फिर आपको यहाँ वो आर्टिकल पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको चेक योर रिफंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यस कंटिन्यू आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू करना है। फिर आपको स्टेटस पर टैप करना है। करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दबा देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा मिस रिव्यू, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आपका काम हो गया। आपको सही से करना है, आपको अपना आपका रिफंड जो है वो 101% वापस मिल जाएगा।